हाँ जी फ्रेंड्स, क्या चाल। तो अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आज वही है डे है जब हमने फ्लाइट अपनी पकड़नी है और साथ में फैमिली सारी बैठी है पीछे, सबसे पीछे लगेज और सारे छोड़ने जा रहे हैं और दो गाड़ियां हमारे पीछे हैं। तो आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं जी। तो आज है फ्लाइट 3 बजे और घर से हम निकले 9:30, क्योंकि घर से हमारा जो रास्ता है एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 का 1.5 घंटे का रास्ता है और उसके आगे फॉर्मेलिटीज करने में टाइम लगेगा। दैन 3 बजे फ्लाइट यहाँ से चढ़ेगी और हाँ हम लंदन पहुँचेंगे 8 बजे। आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। अभी फ्लाइट बोर्ड करते हुए फैमिली के साथ में टर्मिनल तक जाते हुए ये देखिए। बच्चे खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों को जल्दी है। हमारा हमारा लगेज तो दोस्तों एंटर करते ही मैंने बैग को रैप कराया चेक इन करने से पहले, बिकॉज एक बार आपने चेक इन के लिए बैग सबमिट कर दिए फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो जिन्होंने भी बैग को रैप कराना है तो यहाँ से करा सकते हैं, इससे सेफ हो जाता है। करने के बाद ये ऐसा हो गया और रैप कराना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ इसमें टूट फूट ना हो और कहीं पे भी ये खुले ना हो। लगे हैं चेक इन वाली लाइन में और देखिए कितना रश है। इसके बाद में आगे सिक्योरिटी और इमिग्रेशन। दोस्तों ज़रूर अपने बैग पे ये निशानी से लगा दो हैंडल पे ताकि जाके ये कलर सेम होते हैं सारे बैग इसके आपको पता चल जाए। मैंने अपने दोनों बैग इसमें लगा लिए। तो अभी तो बोर्डिंग पास मिल चुका है, अभी हम आगे जा रहे हैं, थोड़े पैसे कन्वर्ट कराते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी डिपार्चर में टाइम है। तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, सीट्स लगी हुई हैं। अभी बैग वगैरह कुछ चेक कर रहा था, सामान क्योंकि सिक्योरिटी में निकाला था, अब दोबारा से सेटल करके अभी वॉशरूम जाके फिर अब हम देखेंगे लॉन्च में बैठने का टाइम है या फिर बोर्डिंग का टाइम ओपन होता है। तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी लॉन्च में जाके एक बार ट्राई करते हैं की एंट्री होती है कि नहीं और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज हैं। ये है T3 दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। नजारा हूँ लेके उन्हें से चलिए आगे गेट वालों, लेके आओ ऐसा लेके आओ ताकि इजीली
आप उसको ड्रैग कर सको, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। यहाँ पे 26 गेट है और हीथ्रो, लंदन और भी कई, जैसे दिल्ली है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, तो चलना आसान हो जाता है अगर व्हील्स लगे हों तो। और एक तो आपने बैकपैक रखा हुआ है, डाला हुआ है, और चेक इन बैग्स, तो उसको तो सीधा वो आपको वहीं मिलते हैं। सो जो आपको कैरी करना है वो आप इजीली मूव कर सकें, ऐसा लगेज लेके आए। अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, क्योंकि टाइम होने वाला है, 2 बजे बोर्डिंग है दिल्ली से लंदन विस्तारा एयरलाइंस। मेरा गेट नंबर है 11, तो अभी सीधा ही जाना है। एंड लेट्स सी गेट नंबर 11 कहाँ है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और देखिए सारे स्टोर्स वगैरह हैं। सबसे ऊपर फ्लाइट हो रही है लंदन हीथ्रो यूके 17, 6 मिनट अभी लिखा आया था, 6 मिनट में ओपन होंगे। बाकी शॉप सारी हैं यहाँ पे। रामदेव बाबा, अभी 17 से 26 के लिए लेफ्ट है, और राइट में गेट नंबर 1 to 14 है। पंजाबी मुंडे की फोटो बनी हुई है। अभी स्टिल गेट क्लोज है और 10-15 मिनट बचे हैं। सबसे ऊपर आ गया है यूके 17 लंदन हीथ्रो। सीधा है जी 11 नंबर गेट, बहुत चलना पड़ेगा अभी। बाहर का डिपार्चर का व्यू, वैसे तो ये लगे हुए हैं पर ये बंद है इस टाइम। क्लीनिंग हो गई जी, नहीं तो इसमें बैठ जाते आराम से जाते। सो आज लंदन की फ्लाइट है, उसके बाद में पहले तो ये 10 घंटे की फ़्लाइट है, और देन मैं स्टे करूँगा लंदन में। उसके बाद में मैंने जाना लीड्स में है, लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे भी मैंने बुकिंग करा रखी है, तो कोच की बुकिंग है वहाँ से। अभी ये नेक्स्ट वाला ट्रेवलेटर चल रहा था, ये बेस्ट है, आराम से इसमें खड़े रहो। नंबर आ गया और 6 से 14 आ गया, अभी और चलना पड़ेगा। ये है 9 नंबर, इधर है 10 और आगे 11, तो इस तरीके का गेट होता है, और आप यहाँ पे वेट कर सकते हो जब तक गेट ना खोले, और बेटर है टाइम पे आ जाओ और इन्फॉर्मेशन अपनी ले लो।
फाइनली गेट नंबर 11 मिल चुका है। यहाँ पे वेटिंग चल रही है गेट नंबर 11 पे, तो जब गेट खोलेंगे तब अंदर एंट्री करेंगे। Ladies and gentlemen, all customers must take their baggage and seats only and make sure to listen to the media class. We advise you to cover all the mask and face mask.
Thank you.
थ्रू एयरपोर्ट पे पहुंचते ही इमिग्रेशन ने बहुत टाइम लिया, 2-3 घंटे लग गए। फाइनली बाहर आ चुके हैं। अब मैं जा रहा हूं घर जो हमने बुक किया हुआ है लंदन में फेल्टम पे। सो, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। आप ये देख रहे हैं लंदन की रोड्स। ओके, बाय, थैंक यू।